वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा। ग्रुप में डाल दो, कल सरप्राइज पेपर होगा तुम्हारा। सर तो तुम एक आधा छोड़ दिया, बाकी सारे तो गए। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। एक ग्रुप में, अपने ग्रुप में, बोर्ड वाले में पर्सनल डीपी किसने लगाई है? वो डीपी क्या, सेल्फी जैसा। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। अपने कितने क्वेश्चन किए थे उस दिन? खैर अच्छा, वो एकदम से अटके आता है, याद आ गया मेरे को। क्वेश्चन दोबारा समझाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन था बेटा? स्टार्ट करें बेटा। यस ओहो, निश्चय आ गया तुम। सर। कैसी रही तेरी ट्रिप? सर अच्छी थी, कल ही आने वाला था पर वो फ्लाइट 6 घंटे लेट हो गई तो फिर कल नहीं आ पाया। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। फ्लाइट में कौन कौन मिला तेरे को? कुछ मिला तेरे को सामान, मतलब सॉरी, मतलब कोई दोस्त वोस्त मिला तेरे को बेटा? नहीं सर हैं, नहीं सर। ये बहुत गंदे बच्चे हैं, मैं चेक कर रहा था इनको। बेटा डायग्राम दोबारा से बनाते हैं, कैलकुलेशन दोबारा से करते हैं, या फिर वही रखूं? चलो वही समझा देता हूँ, समझाओ। यस अब क्वेश्चन समझो क्या लिखा हुआ है। सर। एक सर्कल है जो कहाँ से पास हो रहा है? 4.1 और 6.5 फोर कॉमा वन से और 6.5, सर। ये पास करा दी कहीं से भी, और ऐसा नहीं कि जरूरी इधर बना लो, कोई लेना नहीं है। और उसका सेंटर किस लाइन पे लाई करता है? 4x+y अब equals to देखो, खेला 16। उसने यही है ना, तो सेंटर डायरेक्टली दिया ना, क्या डायरेक्टली दिया, रेडियस। देखो रेडियस सर्कल की फोटो लिखनी है तो सेंटर चाहिए, और बेटा क्या चाहिए, दूसरी क्या चाहिए बेटा, रेडियस। रेडियस अब सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, ना तो उसने सेंटर दिया ना क्या दिया बेटा, रेडियस। तो रेडियस मैंने क्या बेटा, मैंने मान लिया सेंटर। अब तुम बोलोगे सर सेंटर मान रहे हो, सेंटर मतलब मैंने मान लिया, एच कोमा क्या मान ली मन में, लेकिन ये काम किसमें करना है? मैंने एच कोमा के, ये देखो ये वाला काम, एच कोमा के बेटा मैंने मान लिया सेंटर है, तो मुझे बताओ कि सेंटर किस पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई कर रहा है? अरे यस और हाँ सर। नो, जिंदा हो बच्चे। तो यस एच कोमा के पे लाइक कर रहा, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से 4H+K=16, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस कितनी, फोर एच फोर एच फोर तो एच मैंने उस दिन बोला था कि तुम डायरेक्ट, यदि तुमको ऐसे कभी सेंटर पकड़ा दिया हो, तो यदि तुमको डायरेक्ट सेंटर पकड़ा दिया, तो तुम एच कोमा के मान के उसको सेटिस्फाई करके फटाफट क्या लिख दो, फटाफट क्या लिख दोगे, 16H+16-4, ये सेंटर समझ में, मैंने कैसे लिखा? हाँ सर। इसके दो पार्ट है बेटा भी। अब अभी मैंने ये एक अच्छा काम किया, मैंने सेंटर में दो अननोन मानने के बजाय मेरे पास कितने अननोन में कन्वर्ट हो गया, एच कोमा। एक की अब तुमको पता कि सी ए बी रेडियस और सी बी भी क्या है, रेडियस। तो ये दोनों रेडियस इक्वल होंगी, तो हाँ सर। और सी ए का स्क्वायर, तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी का स्क्वायर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। उसने कैलकुलेशन में एकदम से लैपटॉप क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो अभी अभी हाँ वहीं से अपन स्टार्ट करते, कैलकुलेशन जहाँ रुकी थी। चलो पहले एच एच वाला बताओ, ये कितने एच हो गए, 20H हो, ये कितना हो गया, 100H हो गया, -100 और ये हो जाएगा -120, तो उधर गया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 120, 28 28H बच गया। अब कॉन्स्टेंट देखते हैं, कॉन्स्टेंट 225 और 16, 209 ए 225+16 प्लस माइनस है ना सर। हाँ प्लस बेटा, यहां से दिख जाएगा ना, यहां से 16 आएगा ना, प्लस का सर। 20 स्क्वायर,
225 और 16 कितना, ये प्लस क्या है ना, प्लस 241, 241 और ये कितना हो जाएगा बेटा, 157 157 157, 241 में से 157 के कितने आ जाएंगे, 84 H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 2 जा, 14 6 जा, 28 3 जा, डायरेक्ट कर सकते, H की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 यस सर, तो सेंटर कितना आ गया, एचक्यूएल 3 आ गई, तो यहाँ पे रख दो 3.4 3.4 और रेडियस कितनी मिल जाएगी, रेडियस निकालो सी ए, 3.4 से डिस्टेंस निकालो, 3.4 से 4 - 3 1 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर, √10 और रेडियस कितनी आ जाएगी, √10, तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू √10 का स्क्वायर, मतलब 10 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर 2x वाला, फिर 2y वाला, 9 और 16, इधर से 9 आएगा 25 और माइनस 10 15, क्या यही क्वेश्चन है सर्कल की, देखो नीचे आंसर, यस सर, नोट कर लो लो, ये ऐसे क्वेश्चन करने वाले अपन बेटा आज पूरी क्लास में, लिख लिया तो बोलना बेटा, सर लिख लिया, नहीं नहीं सर एक मिनट, तो नेटफ्लिक्स मैंने सुना सब बच्चों के लिए फ्री है, ऐसा सर, हाँ सर, पढ़ाई कर लेना नहीं तो नेक्स्ट करें बेटा, एक मिनट सर, सर हो गए, हो गया बेटा, यस सर, यस सर, देविया बोल रहा है सर वो वेटिंग रूम में, हाँ है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, 2.3 - 1.1 और सेंटर लाइन काम कर रहा, सेम पैटर्न का है लाइन, और ये अलग अलग आ गए हैं, अरे रुको 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 रुको, और हम थोड़ा सा को क्या करेंगे अभी, अब आज हमारी कोचिंग में छुट्टी है, हाँ सर, तो
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कहां से पास हो रहा है 2.3 एंड 1, -1, 1 1 से ये लो डायग्राम ओ सर्कल बनाया देखो मैंने वाओ अच्छा बनाया बहुत अच्छा बनाया बहुत अच्छा सर थैंक यू बेटा और सेंटर कहां पे लाई करता बेटा किस लाइन पे दिख रहो अरे सस्ते एक्स एनर्जी लेके बोलो नहीं तो ऐसा लगे नींदों में बोल रहे हो अदो एच कोमा क्या मान लूं लेकिन मैं थोड़ी देर में इरेज कर दूंगा एच कोमा के किस पे लाइक करते हैं किस लाइन पे तो मुझे बताओ यहाँ पे एच की वैल्यू सेक्सी आएगी के की वैल्यू सेक्सी आएगी किस की वैल्यू सेक्सी आएगी कैलकुलेशन करना h की वैल्यू h की k की वैल्यू में क्या हो जाएगा h -11/3 आ जाएगा दिख रहा है हां सर यहां पे h की वैल्यू सेक्सी आ जाएगी h की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो मुझे पता था मैथ लिखूंगा ना सर्कल उड़ जाएगा 11+3 के यार ये क्या है सर्कल उड़ जाता है मरे यार तेरे थोड़ा टैलेंट यूज करो सर आपके पास तो बहुत है थैंक यू बेटा 11 -3 के इनटू कॉमा कितना का के आ गया यस सर कर वैसे भी सकते हो कोई बुराई नहीं उससे भी आंसर आ जाएगा लेकिन उससे कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी साइज इक्वल टू के सब टीवी सर 11+3 के 11+3 के नहीं आएगा सर अंदर को आंख दे मंगला को प्लस दे CA का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 11 9 स्क्वायर हट गया अंडर रूट हट गया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - cb का स्क्वायर मतलब कितना ओ भाई भाई कैलकुलेशन करने के लिए बिहार नहीं होती अब मुझे कैलकुलेशन करके दिखाओ दोस्तों ये 9 के स्क्वायर आएगा और प्लस में के स्क्वायर कितने के स्क्वायर होगा ये 10 के स्क्वायर इधर से भी 9 के स्क्वायर आएगा इधर से भी के स्क्वायर आएगा तो 10 के स्क्वायर क्या हो गया खल्लास यस सर ये कितना के आएगा 36 के नहीं 27 54 के आएगा यस सर यस सर -6 के आएगा यस सर अभी तो 72 के यहाँ पे कितना का 72k यहाँ से कितना का -2k -2k तो भैया 70k तो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में होगा 48 तो कितने के हो जाएंगे अभी राइट साइड 22k तो मैं ओवरऑल 22k बचेंगे है ना राइट साइड सर चलो राइट हैंड लिख लेते बस खुश ये नहीं ना मतलब इसका स्केल 81 प्लस 9 90 140 और ये कितना प्लस 145 तो कितना हो जाएगा -90 - 145 - 50 - 55 - 5/2 की वैल्यू और k की वैल्यू 5/2 सेंटर कितना मिल गया 11+3 के ना -7/2 -5/2 5/2 रेडियस कितनी मिल गई रेडियस तो भाई अंडर रूट 9+3 के 9 - 15 के 18 - 15 3/2 मतलब 9/4 का स्क्वायर प्लस ये रखेगा बेटा यहाँ पे हम k = -5/2 -3 - 6 - 11 - 11/2 मतलब 121 बाय कितना अच्छा रेडियस कितनी मिलेगी अंडर रूट 130/2 तो इक्वेशन x+1 सेंटर का स्क्वायर y+5/2 का स्क्वायर = कितना 130/4 क्या था गंदा सा आंसर आ रहा है क्या चेक करते हैं
मन में हो विश्वास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव वाई तो आ रहा आंसर, यदि ये नहीं आ रहा तो पक्का गलती है अपनी, एक गलती होगी ना, के की वैल्यू आ रही अपनी प्लस का सेवन बाय टू, सॉरी एच की वैल्यू प्लस का सेवन बाय टू, हाँ बहुत सरस लागे सही में सरस लागे दिख रहा एम ए का मैं, अभी सारी कैलकुलेशन खराब हो गई है, सी की वैल्यू नहीं कुछ कोई फर्क पड़ेगा क्या, और कॉन्स्टेंट कितना आएगा कॉन्स्टेंट 49 बाय 4 प्लस 25 बाय 4 कितना हो जाएगा, ये 49 बाय 4 ये हो जाएगा 54 74 130 में 74 का कितना हुआ 130 में 74 56 बाय 14 14 आ गया आ गया आ गया आ गया, भगवान घर में देर पर अंधेर नहीं है, माइनस 14 है इनका प्लस 14 है, मैंने हाँ उधर आंसर मैच हो गया देख लो, ये गंदी गंदी कैलकुलेशन करने वाले आंसर तुम देख लेना तुम्हें फंसाएगा पेपर वाला, नोट कर लो लो पब्लो इसको आज फिर तुम दोपहर को क्या करने वाले हो बेटा, इवनिंग में रखड़ने वाले हो, ए सर थोड़ा रखड़ेंगे रात को, नहीं सर कहाँ पे रखड़ेगा ये, किंचु हाँ सर कहाँ पे रखड़ेगा तुम, विद्या पूछ रही है उसको वहीं आना आज, हाँ सर कृष्णा का घर मिले तो शायद आ जाए, पता नहीं विद्या कृष्णा के घर बेटा नबकी नहीं है अभी, लिख लिया सर एक कितने क्वेश्चन पेंडिंग है एक्सरसाइज में बेटा, पंद्रह है टोटल बाकी एक ही बचे तो एक ही है, हाँ फिर मिसलेनियस के भी कर लेंगे, मिसलेनियस में एक ही होगा, लिख लिया यस सर, और निश्चय हाँ सर, तो अभी नेक्स्ट जनवरी में जाने वाला फरवरी में सर, अब नहीं जाऊंगा, लास्ट टाइम भी यही बोला था निशे सर्कल अच्छा बनाया बेटा मैंने, हाँ हाँ सर, और अभी उसने क्या बोला निशे बता, कौन पॉइंट अंदर है या बाहर है, अच्छा मुझे बताओ पॉइंट अंदर बाहर कैसे चेक कर सकते हो, एक तरीका बताओ, कौन बताएगा, सेंटर से डिस्टेंस सर अगर रेडियस से ज्यादा है तो, यदि हाँ पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, बाहर बाहर, और यदि इक्वल है रेडियस के इक्वल है तो पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, ऑन द सर्कल, और रेडियस से ज्यादा तो क्या हो जाएगा बेटा, कम है तो अंदर, ये समझ में आ गया, यस सर, ये डायग्राम बनाया, अच्छा एक तरीका और समझ सकते थे स्टैंडर्ड, अभी और भी एक इजी समझाऊं,
सर स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की क्या होती है? ये होती है। अब जीत बोला कि सर आप कुछ समझाओ कि क्या मतलब, मुझे मुझे ये पॉइंट के बारे में चेक करना है, x1 कॉमा कौन सा y1, ये कर्व के सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है, सर्कल के क्या बाहर बाहर। तो मैंने बोला जीत जीत बोला कि सर आपने अभी बताया कि CP इज इक्वल टू R आ गया, तो ऑन द सर्कल है CP जो पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस से कम आ गई है तो वो अंदर है, और रेडियस से बड़ी आ गई तो क्या हो जाएगा वो पॉइंट बाहर। अब देखो इसका सेंटर कोई बच्चा बताएगा सेंटर कितना हो जाएगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो ये देखो अब CP मतलब C माइनस जी कॉमा माइनस एफ की किस डिस्टेंस x1 कॉमा y1 चेक कर लेते, मान लो यदि ये डिस्टेंस निकालते कितनी आएगी, x1 प्लस g कॉल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f कॉल स्क्वायर या तो इक्वल होगा या लेस होगा या ग्रेटर होगा, किससे रेडियस से, रेडियस किसकी होती है इस सर्कल की कितनी होती है रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, दोनों तरफ अंडर रूट खोल दो तो g स्क्वायर से g स्क्वायर कट जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, g स्क्वायर से g स्क्वायर कट जाएगा, f स्क्वायर से f स्क्वायर कट जाएगा राइट हैंड साइड से माइनस ये तो प्लस सी। ये देखो तीन पॉसिबिलिटी बन, देखो देखो मैंने क्या एक कैलकुलेशन कर दी। अब तुम बोलो सर कुछ एक परसेंट भी समझ में हमको नहीं आया, बेटा मेरे सब क्या देखो सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस इक्वल टू क्या था जीरो, और मेरे पास पॉइंट क्या था पॉइंट पॉइंट बताओ बेटा एक्स वन कोमा वाई वन, वो चेक करना था अंदर है बाहर है या क्या है सर्कल के ऊपर ऊपर। तो एक बार तुम नोटिस करो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में ध्यान देखो क्या फर्क आ रहा है, तो दो x की जगह क्या आ गया बेटा x1 और y की जगह क्या आ गया बेटा y1। यदि सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट रखने पे रखने से इक्वल टू जीरो आ रहा है तो सर्कल के क्या ऊपर, सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट वो सब्स्टिट्यूट रखने पे यदि लेस देन जीरो आ रहा है तो पॉइंट क्या है सर्कल की इक्वेशन में रख दूं यदि ये पॉजिटिव आ जाए तो बाहर, जीरो आ जाए तो ऑन, और नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा अंदर अंदर। अब देखो सर्कल की इक्वेशन निकाल लो, सर्कल ये वाला पॉइंट चेक करो, मैं मोस्ट प्रोबेबली कल तुम्हारे सबके पेरेंट्स को बात करूं और किसी के पेरेंट ने बोल लिया घर पे पढ़ते नहीं सेल्फ स्टडी तो उसका क्या इलाज है, उल्टा टांग देना पक्का ना, कल टेलीफोनिक होगी। हाँ सर हाँ सर क्या होगा कल टेलीफोनिक में तुम्हारे पेरेंट्स से सबसे बात करूंगा और किसी के पेरेंट ने बोल दिया कि घर पे इनका आज तुम हर्ष आया नहीं, मैं अभी मैंने ही पूछा सर उसने ऐसे नहीं उधर में डाइट की क्या उधर ओम। हाँ सर हाँ आज कहाँ था एब्सेंट सर, आज मुझे लगा वो सेटरडे है ना तो छुट्टी होगी तो मैं मंडे तेरे साथ बाय वन गेट वन उसको भी लग गया, मैंने उसी को पूछा था वो बोलेगा कुएं में गिर जाते तो दोनों गिर जाओगे इनसाइड, तू भी बात टाल रहा है इनसाइड इनसाइड। अरे सर मैं क्यों बात टालूंगा, एक बार निश्चय सिक्स बोल दे बस बेटा ये पॉजिटिव है नेगेटिव आ रहा है रिलेटिव 2.5 कॉल स्क्वायर कितना होगा 6.25 कॉल स्क्वायर 35 30 प्लस 9.30 प्लस 5 कॉल स्क्वायर कितना होगा 9.25 plus 12.25 plus 300
नेगेटिव पॉइंट इज क्या इनसाइड द सर्कल। कभी आपको पॉइंट चेक करना कि ऊपर है बाहर है तो पॉइंट रखो, यदि इक्वल टू जीरो आ गया तो ऊपर है, नेगेटिव आ गया तो अंदर है, और पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा वो वैल्यू बाहर। ये अपनी एक्सरसाइज खत्म क्या होगी, इस एक्सरसाइज खत्म है क्या? अब इसमें ना मिसलेनियस में एक आधा क्वेश्चन होगा, पांच है शायद। नहीं मिसलेनियस में सर्कल का क्वेश्चन है क्या? नहीं है, बच गए। टाइम बचा तो कुछ प्रैक्टिस कर ले। यस सर। पैराबोला तो नहीं कर गालू करूंगा, तो क्या पहला क्वेश्चन पढ़ो, एमसीक्यू क्या लिखा है? देखो नीचे से सेंटर बता दे, मैं मान जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। पिंकी का क्या सर? सेंटर सेंटर कैसे निकालते हैं? पार्थ कैसा होगा सेंटर बोल? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो इसमें थ्री कॉमा माइनस सेवन सर, माइनस थ्री कॉमा सेवन होगा। अरे भाई जिनको नहीं निकालना था आशिक को देख लो, पढ़ लो, इसे नालायक मैंने कभी आज तक नहीं देखे बच्चे जिनको सेंटर निकालना नहीं आ रहा। टू जी की वैल्यू सिक्स है, टू एफ की वैल्यू कितनी है? सिंपल है, एक्स का कोफिशिएंट है उसको आधा करो, उसका साइन चेंज कर दो। वाई का कोफिशिएंट उसको आधा करो, उसका साइन चेंज कर दो। तो इसका आधा करो कितना होगा? माइनस आर, उसका साइन चेंज कर दो कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है? द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसा देखो तीन सर्कल थे, एक सर्कल दो सर्कल और उनके सेंटर को मानते हो एक सर्कल लिख दिया। ये पहले सर्कल का सेंटर, इस सर्कल की फोटो लिखनी है। किस सर्कल की फोटो लिखनी है? बड़े वाले की। समझ में आ रहा है? यस सर। इसका पहले का सेंटर कितना है? माइनस थ्री कॉमा कितना सेवन है। दूसरे का सेंटर कितना है? टू कॉमा माइनस फाइव। थ्री कॉमा माइनस, हाँ सही है। अब इसको बड़े, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा बड़े वाले का। यस सर। कितना हो जाएगा? -1/2 और -1। अलग एक डायमीटर फॉर्म होती है, जे में पढ़ाऊंगा। 1 रेडियस कितनी आ जाएगी? इनकी डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में? 13 -3 -2 -5 -25 बड़े वाले सर्कल इक्वेशन क्या जाएगी? एक्स प्लस हाफ कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना आएगा? एक्स माइनस टू वाई 1/4, ये कितना आ जाएगा बेटा? 5/4 माइनस 13/4 माइनस 8/4 8/4 मतलब कितना? ये कुछ गलती की मैंने, 5/4 में से कितना आ गया तुम्हारा? बर्तन गिरा दो दोस्तों, 5/4 5/4 माइनस 13/2, अच्छा 13/4 है ना, मेरा तो -2 आ रहा है। सेंटर सही निकालेंगे अपन, रेडियस 13/2 आएगा। हाँ रूट नहीं आएगा ना, हाँ तो 169 हो जाएगा। 169/4 तो मतलब अपना आ जाएगा 5/4 169/4 में 5/4 गए, कितना बचा? 164/4 मतलब 41 हो जाएगा। 41 तो x square plus y square plus x minus 2y minus 41 is equal to 0। जीरो डायरेक्ट भी होगा लेकिन जब जेई में बताया जाएगा।
वर्ड पॉइंट ऑफ इसे मोर देन इनफ है, चमक गया। यस सर। सेकंड बोलो क्या लिखा है, इफ वन एंड एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर कितना दे रखा है, इसका सेंटर कोई बताओ, सेंटर कितना आएगा? 4.2। चलो, और उसके एक एंड पॉइंट कितना दे रखा है? -3.2। सेंटर भी बदल गया 4.2, तो ये कितना आएगा, ये वाला अल्फा कॉमा बीटा मिड पॉइंट होगा। हां सर। -3 + α/2 = 4, 2 + β/2 = कितना 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 8 + 3 = 11 or 2। थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू, एक सर्कल कहां से पास होता है, 2.3 से, सेंटर कहां पे लाई कर उसका, एक्स एक्सिस रेडियस पे, सेंटर लाई कर एक्स एक्सिस पे, तो सेंटर मान लो h.0। यस। और ये 2.3 से पास होता है, रेडियस 5 है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, 16 + −4 = −2 और एक तो जाएगी x - 6 का स्क्वायर प्लस y² = 25 r² एक या क्या हो जाएगी x + 2 का स्क्वायर प्लस y² = 25, ये तो कोई ऑप्शन में नहीं है, 4x+ का ये x² भी है प्लस y² भी है -12x भी है, 36 - 25 + 21 कौन सा मैच कर जाएगा, यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, एक सर्कल है जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर फोर का सेंटर, एक सर्कल को सेंटर से पास हो रहा है सर, तो 4.5 उसका सेंटर है और वो दूसरे सर्कल के सेंटर, दूसरे सर्कल का पॉइंट 12 है, ओ ऐसा, और वो पॉइंट -2.3 दूसरे सर्कल के क्या कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, दिखाई दे रहा है तुमको, यस हां सर, उसका सेंटर कितना है, 2 -2.3 -2.3, बड़े वाले सर्कल की लिखनी इस वाले सर्कल की, तो ये रेडियस आ गई, रेडियस हां सर, कितनी आएगी रेडियस इसकी, 36 √40 5 - 3 √40, तो रेडियस आ गई 40, तो बस x - 4 का स्क्वायर प्लस y - किसका, 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 16 = 20 / 41 1 हां कौन सा मैच हो जाएगा, बी, क्या बोला, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल निकालना है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सबको फॉर्मूला पता है, हां सर, हां सर, सेंटर कितना है यहां पे, 1.2 कहां से सर्कल पास हो रहा है, 4.6 रेडियस कितनी आएगी, रेडियस 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9 5 6 - 2 2 2 2 6 - 2 4 4 का स्क्वायर 16 r आगे 5 तो रेडियस कितना होगा, पाई r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 25 एक सर्कल कहां से पास हो रहा है, 0.0 से पास हो रहा है, 1.0 से, और कहां से पास हो रहा है, 0.b, ये तो उसकी तरह है ना, ये क्वेश्चन अपन ने कल परसों किया भी था, इंटरसेप्ट वाला, हां सर, ये एलिप्स बन गया लेकिन सर्कल को गंदा बना दिया, ऐसा सवाल, इस सर्कल में उस क्वेश्चन में आंसर ये आया था, मुझे रटा हुआ, x² + y² - ax - by = 0, अब तुम बोलो सर ये क्वेश्चन कैसे किया था, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 मान लिया था, तीनों को पास कर उसको क्या करेगा, सेट ही,
अब इसका सेंटर पूछा है तो इसका सेंटर बिना पेंच लाए बदल जाएगा क्या क्या है और जिन बच्चों को बिना पेंच लाए लगा वैसे सोच सकते हैं ये ऐसा डायग्राम बना सकते हो 0.0 1.0 और ये कितना होगा 0, कितना होगा ये मैंने एक तो ये लाइन ये ट्रायंगल ये वाला मिड पॉइंट होगा ये सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो अरे भैया पता ना एक्सेस राइट एंगल ट्रायंगल पे होते हैं हाँ हाँ सर और सर्कल की प्रॉपर्टी पड़ती है डायमीटर के एंड पॉइंट से बनाया हुआ ट्रायंगल तीसरे वर्टेक्स पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री सेंटर का इसका मिड पॉइंट हाइपोटेनस का तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा a / 2 कितना a / 2 हां सर ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो 2g वाले से अभी कहता लोगे पैराबोला ये बोर्ड लेवल के एमसीक्यूज हैं ये बोर्ड लेवल के एमसीक्यू अगले वीक वैसे भी कोनिक सेक्शन का टेस्ट है फ्राइडे को अब से मैथ्स का टेस्ट कब होगा बेटा फ्राइडे फिजिक्स का मंडे सर से पूछ लेना चैप्टर और फिजिक्स का मंडे वेडनेसडे को शायद तक मैथ्स का होगा फ्राइडे बोला पहले फ्राइडे को था अभी फ्राइडे को कैसा टेस्ट होगा नया टाइम टाइम टेबल आ जाएगा ना चमक गया सर चलो बेटा मिलते हैं हैप्पी सर वो आज तो आपने बात कर ली तो कल वापिस होकर आऊंगा हाँ मैं तेरे से होके भी तेरा डन जी की क्लास होगी नहीं नहीं आज नहीं होगा ना मेरे को मैंने प्लान किया कोई ट्वेल्थ फॉलो का ठीक है बेटा बाय सर बाय सर थैंक यू सर बाय